हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको एक ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो नॉर्मली सभी के घर में होता है, पर आज उसकी केयर, उसकी टिप्स, उसको कैसे लगाएं, उसको कैसे प्रोपोगेट करें, उसको कैसे पानी दें, इन सब बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट्स के बारे में, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं, कैसे पॉट का सिलेक्शन करते हैं, उन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। तो तुलसी प्लांट को लगाने के लिए एक अच्छे से पॉट का सिलेक्शन करना होता है, जिससे कि आपका पौधा अच्छा से गहरा घना बन सके। तो उसके लिए हमको 9 से 10 इंच का मिट्टी का पॉट लेना चाहिए, ना कि प्लास्टिक और सिरेमिक का पॉट लेना चाहिए। यदि आप इन दोनों पॉट का सिलेक्शन करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें अंदर से हीट होकर प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मिट्टी के पॉट का ही सिलेक्शन करना है। मेरे पास मिट्टी का पॉट नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरीके से छत पर क्यारी बना करके प्लांट को लगाया हुआ है। तो आप 9 से 10 इंच की मिट्टी के पॉट का ही सिलेक्शन करें। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की मिट्टी बनाने के लिए हमको एकदम सैंडी सॉइल्स बनानी होती है, जिससे कि हम जब भी पानी इसमें डालें तो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके। तो उसके लिए हमको 50% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 20% गोबर की खाद का उपयोग करना है, जिससे कि आपकी मिट्टी एकदम सैंडी सॉइल बनी रहे और आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप इसको ज़्यादा ही अगर धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियाँ जल करके ख़राब हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आपको इस प्लांट को बिल्कुल ही प्रॉपर धूप में नहीं रखना है, आपको इसको शेडी एरिया में भी रखना है। उसके लिए आपको फरवरी मंथ में इस प्लांट को शेडी एरिया में शिफ्ट कर देना है, जिससे कि ये मार्च अप्रैल की धूप में जलकर ख़राब ना हो और आपका प्लांट एकदम अच्छे से बना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी धूप में इस तरीके की ब्रांचेस ख़राब होकर के इस तरीके की ब्रांचेस में ख़राब हो जाती हैं। इसको हमको तोड़ करके वेस्ट विंग में डाल देना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पत्तियाँ कैसे तोड़ें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम तुलसी प्लांट की पत्तियां तोड़ते हैं तो इस तरीके से नीचे से तोड़ते हैं, जिससे कि नीचे से पूरा प्लांट खाली हो जाता है और ऊपर टिप में सिर्फ कुछ ही पत्तियां बची रह जाती हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इसकी जब भी पत्तियां तोड़ें तो इसकी ऊपर से पत्तियां तोड़ें, इस तरह से टिप से पत्तियां तोड़ें ऐसे, जिससे कि आपका प्लांट अच्छा गहरा और घना बन सके। अब मैंने यहाँ से तोड़ी है तो इसकी यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि ये प्लांट और भी गहरा और घना बन जाएगा। देखिए आप, मेरा प्लांट कितना गहरा और घना है, इससे ये और भी ज़्यादा गहरा और घना बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी मंजरी की। जो आप देख ही रहे हैं, इसमें कितनी सारी मंजरियाँ लगी हुई हैं, ये सब मैंने सिर्फ आपको वीडियो में बताने के लिए रखी है, नहीं तो इनका कोई काम नहीं, इनको तोड़ देना है। जब भी आप इसकी मंजरी तोड़ें फ्रेंड्स, तो मंजरी को ही ना तोड़ें, उसके नीचे की 2-3 पत्तियों को भी इस तरीके से तोड़ें, ये इस तरीके से, ताकि यहाँ से और भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलें और पौधा आपका बहुत ही ज़्यादा गहरा और घना बन सके। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी मंजरियों को क्या यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इनकी मंजरियों को काफ़ी सारे यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कि आप इनको चाय में डाल करके पी सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं जो तुलसी प्लांट में रोज़ भर भर करके लोटा पानी डालते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें रोज़ भर भर के पानी नहीं डालना है, पहले इसकी मिट्टी को चेक कर लें, जैसे इसकी मिट्टी में इस तरीके से मॉइस्चर बना हुआ हो तो इसकी मिट्टी में पानी नहीं डालें। फ्रेंड्स, जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए, बिल्कुल ही भुरभुरी लगे आपको, तभी इसमें पानी डालना है। यदि आप इसमें डेली वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, ये पौधा अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें डेली फर्टिलाइज़र यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यदि आप फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो फरवरी मंथ में सिर्फ गोबर की थोड़ी सी खाद दे दें इस प्लांट को, ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए। इसकी सूखी पत्तियाँ ही इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेंगी। ये देखिए, इसकी सूखी पत्तियाँ इसकी मिट्टी में ही गिरकर इस प्लांट को ताकत देती हैं, इसलिए अपने को इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके मेडिसिनल वैल्यू की। तो ये प्लांट अपने आप में एक औषधीय पौधा है, जिसके काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं, जो बहुत सारे दवाइयाँ बनती हैं इस प्लांट से। तो इस प्लांट की पत्तियों को कैंसर जैसी दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है,
उसके बाद इसकी पत्तियों को लेप बना करके स्किन पर भी लगाया जाता है, जिससे स्किन से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। गले की समस्या में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सर्दी खांसी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चाय में डालकर इसकी पत्तियों को पी सकते हैं। उसके बाद इसका पत्ता एक सुबह शाम खाने से आपके पेट का डाइजेशन भी ठीक रहता है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी बीमारियों में इसका इलाज बहुत ही कारगर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोपगेशन की। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोपगेशन दो प्रकार से होता है, एक तो इसके सीड से और एक इसकी कटिंग लगाने से। इसके सीड इस तरीके की मंजरियों में बनते हैं, जो आप देख ही सकते हैं, यही इसके सीड हैं जो कि अभी कच्चे हैं, पक कर के तैयार होंगे। फ्रेंड्स, इसी से हम इसका नया पौधा प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कटिंग से, ताकि इसकी इतनी सी कटिंग लेकर के, 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग लेकर के हम किसी भी तरीके से इस मिट्टी में लगा देंगे तो इसका एक अच्छा सा पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा पौधा जो है, ये मैंने इसकी कटिंग से ही लगाया था और काफ़ी गहरा और घना होने लगा है शुरू से। बहुत ही अच्छा सा प्लांट बनकर के मेरा तैयार हो गया। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था सितंबर मंथ में। तो फ्रेंड्स, इसकी दो प्रकार से आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी तुलसी प्लांट की सारी केयर के बारे में। तो आप तुलसी प्लांट को इस तरीके से घना कैसे बनाएं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी प्लांट को इस तरीके से घना बनाने के लिए आपको उसकी टिप प्रूनिंग करना है। टिप प्रूनिंग करते रहिए आप उसकी, जैसे कि ये पत्ती है, इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। तो इसी तरीके से आप पूरे पौधे की इस तरीके से पिंचिंग करते रहिए, जैसे कि आपका पौधा गहरा और घना और एकदम पेड़ की शक्ल जैसा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज तुलसी प्लांट की सारी केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।